बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये चैप्टर जी आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये देखें कि ये फ्रॉड होता क्या है। ये डिप्राइवेशन बाय डिसीट होता है, यानी धोखे से किसी को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम कर देना, डिप्राइव कर देना किसी की प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं होती, मीन्स कोई भी उसका एसेट है, उसका कैश है, उसमें मिसमेजरमेंट है वगैरह कर देना, जो दूसरे का हक है उस हक को छीन लेना, डिप्राइव कर देना किसी का हक छीनना धोखे से। देखिए मिस्टेक अनइंटेंशनली हो ना, जिसमें इंटेंशन ना हो तो वो एरर होती है, लेकिन मिस्टेक इंटेंशनली हो, अगर नीयत है आपकी और आप जानबूझ के जो है रॉन्ग फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, इसे मिस रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं कि मिस रिप्रेजेंट या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मिस रिप्रेजेंट करते हुए आप किसी भी पर्सन को जो है उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव करते हैं तो इसे फ्रॉड कहते हैं। और ये कि ऐसी सूरत में भी जहां पे नोइंगली करते हैं या केयरलेस है, कि जहां पे आप पता नहीं है ये सच है कि गलत है, और वहां पे भी अगर आप कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे दूसरे को लॉस हो तो ये फ्रॉड। दो तरह के फ्रॉड होते हैं बिजनेस में, एक जिस तरह ये लिखे ना रिमूवल ऑफ फंड एंड एसेट, मैं इसे कहता होता हूं कि ये ऑपरेशनल फ्रॉड है। ऑपरेशनल फ्रॉड फॉर द बेनिफिट ऑफ ओन, अपने बेनिफिट के लिए जो आप फ्रॉड करते हैं ये आपका ऑपरेशनल फ्रॉड होता है। जैसे कैश में मिसमैनेजमेंट कर ली, ऑपरेशनल फ्रॉड है। जैसे एम्प्लॉई है ओवर टाइम के आर ज्यादा रिकॉर्ड करवा लिए, ऑपरेशनल फ्रॉड है। इन्वेंट्री या कंपनी की वो आप थेफ्ट कर दी तो ऑपरेशनल फ्रॉड में आ जाएगा, जिसमें आप पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। कि फॉर एग्जांपल कंपनी के किसी काम पे बाहर गए, आपने ट्रेवलिंग या डेली अलाउंस ज्यादा क्लेम कर लिया, तो ये ऑपरेशनल फ्रॉड होते हैं, ठीक। जबकि दूसरी तरफ इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना, ये मैनेजमेंट फ्रॉड होते हैं। मैनेजमेंट फ्रॉड का तल्लक पर्सनल बेनिफिट नहीं होता है, इसका तल्लक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिस रिप्रेजेंट प्रेजेंट करना, कि उसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस परफॉर्मेंस को या पोजीशन को मिस रिप्रेजेंट परफॉर्म करना, कि उससे होगा क्या, डेफिनेटली उससे क्या होगा कि जो लोग है इन्वेस्टर वो नहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते तो, लेकिन वो सिर्फ फैक्ट्स की बेस पर इन्वेस्ट कर देंगे। तो यानी कि इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करने के लिए, पोटेंशियल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, और मतलब जो है मलिशियस बेसिस पे जो है वो कंपनी के अकाउंट्स को प्रेजेंट करना है, ये मैनेजमेंट फ्रॉड होता है, इसे इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक। इसमें मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट भी होती है, कि अकाउंट्स में फाइनेंशियल रिकॉर्ड को जब आप चेंज करते हैं तो मैनिपुलेशन होती है। इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन भी होती है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही रिप्रेजेंट ना करना, कि कोई एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंस है लेकिन आपने कॉस्ट ऑफ सेल में लिख दिया है, किसी करंट एसेट को नॉन करंट एसेट शो करा दिया, मिस रिप्रेजेंट या मिस एप्लीकेशन होती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रॉन्गली अप्लाई किया। बहर जो भी ये रिमूवल ऑफ फंड और एसेट फ्रॉम अ बिजनेस, ये जो पर्सनल बेनिफिट के लिए किए जाते हैं, जाती फायदे के लिए किए जाते हैं, ऑपरेशनल फ्रॉड उसमें थेफ्ट ऑफ कैश सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे मिस बेजलमेंट कहते हैं।
कि कैश में से हेरा फेरी करना, आपके पास फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कैश ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है रिटेल स्टोर पर बैठे, तो कैश में जो हेरा फेरी की जाती है ये स्मॉल अमाउंट्स की, छोटे छोटे अमाउंट्स की हेरा फेरी करते हुए, जैसे कस्टमर को जो है वो पेनीस में रिटर्न है तो वो रिटर्न ना किया, शाम को इकट्ठा हो गया, कलेक्टिव हो गए, वो $10 बन गए, तो ये थेफ्ट ऑफ कैश होती है। थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री वहां पे जहाँ पे मूवेबल इन्वेंट्री होती है और वैल्यूएबल होती है, जैसे आप जो है वो किसी भी ऐसी जगह पे काम करते हैं जैसे गारमेंट स्टोर पे, तो कुछ शर्ट्स आपने थेफ्ट कर ली वहां से, या जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्पेशली गोल्ड का बिजनेस हो रहा है तो वहां से कुछ चीज आपने चला ली, तो ये जो है ये थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री वगैरह की कैटेगरी में होता है। पेरोल में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, पेरोल में गूस्ट एम्प्लाई के कुछ एम्प्लाई ऐसे एंटर कर दिए जो कि एग्जिस्टेड वो बिजनेस में काम नहीं कर रहे, बस उनकी पे जा रही है गूस्ट एम्प्लाई के तौर पर, वो पे आपकी पर्सनल पॉकेट में जा रही है। ऐसे भी होता है ओवरस्टेटेड टाइम, मतलब एक पर्सन टाइम प्रॉपर टाइम पे नहीं आया, 2 घंटे लेट आया, लेकिन आपने एंट्री 2 घंटे पहले की डाल ली, तो उसको भी ओवरस्टेटेड पे ओवर टाइम रॉन्गली क्लेम करके जो है वो पे कर दिया, तो पे रोल में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। फिर टीमिंग एंड लेडिंग इसके तो इम्पोर्टेंट होता है, ये कंपनी का जो कैश है इसको आपने पर्सनल पर्पज पे यूज किया, उसके बाद जो कैश रिसीव हुआ उसे पहले कैश की जगह रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद तीसरे को दूसरे की जगह, मतलब चौथे को तीसरे की जगह, कि नॉर्मली ये ब्रांच ऑफिस की सूरत में होता है कि जब ब्रांचेस में बिजनेस डिवाइड होते हैं तो ब्रांच मैनेजर ये इस तरह की हरकत करते हैं कि डेटा फॉर एग्जाम्पल 10 invoices के पैसे कलेक्ट हुए, 9 के शो कर दिए, इस मंथ पर 9 के हुए, अब नेक्स्ट 15 के हुए तो 14 के हुए, मतलब पिछला कैश मैच करते रहना, ये टीमिंग एंड लीडिंग होती है। फिर फिक्टिशियस कस्टमर बहुत चलता है, यानी इसमें क्या हुआ कि ऐसे कस्टमर के नाम पर डिलीवरी नोट इशू कर दिए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, बाद में उसे बैड डेट में डाल दिया या कैश रिकवर कर लिया पर लेकिन उसे बैड डेट शो कराते चले गए, यानी ये इस तरह, या फिर किसी कस्टमर के साथ मिलके अंडरस्टेट इनवाइस कम इनवाइस इशू कर दी, तो कलोजन विद कस्टमर भी इसे कहते हैं कि फिक्टिशियस कस्टमर भी आप जिसको गलत डिलीवरी नोट इशू करते हैं, कलोजन विद कस्टमर कस्टमर के साथ मिलके जो आप हरकत करते हैं कि चीजें 10 भेजी इनवाइस 8 की भेज दी, बाकी 2 चीजें आपस में आपने बांट ली, तो ये सारे जो है ना वो ये फ्रॉड की सारी ये किस्में होती है, मुख्य तरह के फ्रॉड। पोटेंशियल ऑफ फ्रॉड, देखिए बहुत सारा पोटेंशियल ऑफ फ्रॉड होता है, जगह जगह होता है, जहां पे ऐसे में प्री रेकोजिशन ऑफ फ्रॉड होती है, जहां पे प्री रेकोजिशन ऑफ फ्रॉड मौजूद हो वहां पर पोटेंशियल ऑफ फ्रॉड हमेशा जो है वो हाई होता है। प्री रेकोजिशन ऑफ फ्रॉड 3 तरह की होती है, प्री रेकोजिशन जो फ्रॉड से पहले रिक्वायर्ड होती है, एक डिसऑनेस्टी, एक मोटिवेशन और थर्ड अपॉर्चुनिटी। नंबर एक तो डिसऑनेस्टी चाहिए, अगर आप एथिकली स्ट्रांग नहीं है तो डिसऑनेस्टी उसी सूरत में होगी, अगर एथिकल स्ट्रांग पर्सन हो तो ज़्यादा एथिकली स्ट्रांग ज़्यादा उसके कल्चर से सोशल स्ट्रक्चर से पता चलता होता है, इससे डेवलप हुआ पर्सन होता है कि अगर पर्सन अनएथिकल बिहेव कर रहा है तो वो डिसऑनेस्ट है, जिसमें वो अपने पर्सनल बेनिफिट को देख रहा है, दूसरे के बेनिफिट को नहीं देख रहा, दूसरे के लास्ट पे अपना पर्सनल बेनिफिट गेन कर रहा है, डिसऑनेस्ट
बदनीयत, ये स्टेट ऑफ माइंड होती है जेनी आदत का नाम। दूसरा मोटिवेशन, मोटिवेशन भी होनी चाहिए आप, मोटिवेशन फॉर फ्रॉड के मिसाल के तौर पे ये एक तरफ एक परसेंट डिसऑनेस्ट था, ऊपर से उसे जो है वो कैश पास खुला मिल गया, तो फौरन मोटिवेशन क्रिएट हो जाती है, अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, फौरन पर्सन काम करता है। एक तरफ पर्सन डिसऑनेस्ट है, दूसरी तरफ मोटिवेशन के तौर पर सपोज उसकी मदर जो है बीमार, उसे पैसों की जरूरत है, तो ही इज मोटिवेटेड एट दैट टाइम, तो वो मोटिवेटेड की बेस पे, अट्रैक्शन की बेस पे जो है, प्रेशर की बेस पे, इन्फ्लुएंस की बेस पे जो है वो काम करता है। तीसरा अपॉर्चुनिटी, मौका भी मिले। अगर आप डिसऑनेस्ट हैं, आप सॉरी मैं कह जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्ट है और मोटिवेटेड भी है लेकिन उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ठीक, वो फॉर एग्जाम्पल ऐसी जगह पे है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन डिसऑनेस्ट भी है, मोटिवेटेड भी है, लेकिन उसको एसेट मैनेजमेंट पे लगाया हुआ है, तो अब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि वो काम पे फ्रॉड करे। अपॉर्चुनिटी का मिलना भी जरूरी होता है, अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी डस मैटर, कि अपॉर्चुनिटीज भी रिक्वायर्ड होती है। ये थ्री रिक्विजिशन, प्री रिक्विजिशन ऑफ फ्रॉड, पर्सोनल रिस्क, रिस्क विद पर्सोनल, यानी कि ये इंसान के पर्सनल बिहेवियर के बेसिस पे काम पे पता चलता है कि फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर्सनल पर्सन से रिलेटेड होता है। सिक्रेटिव बिहेवियर, अगर किसी पर्सन का सिक्रेटिव बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो कि नॉर्मली पोज नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन रूटीन में आता था, सबसे गपशप लगाता था, आजकल वो लहदा बैठना शुरू हो गया, लोगों से इंटरेक्ट भी ऐसा से नहीं हो रहा, कुछ बिहेवियर पहले से उसका चेंज हो गया, सिक्रेटिव बिहेवियर कोट सी अंदर, सिक्रेटिव बिहेवियर हो तो फ्रॉड के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। ऐसे एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, देखना एक पर्सन है उसकी 30,000 सैलरी है और उसने जो है वो सपोज होंडा कार रखी हुई है, कहाँ से पैसे पूरे होते हैं, तो कहाँ से एक्सपेंसेस मीट होते हैं। एक पर्सन है उसकी 30,000 सैलरी है और डिफेंस में जो है उसने जो है वो दो कनाल का बंगला बनाया हुआ है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ पाया है, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल अपनी अर्निंग से ज्यादा लाइफस्टाइल पे खर्च हो तो फिर भी फ्रॉड के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। लॉन्ग आर वर्किंग आर अनटेकन हॉलीडे, ये बड़ा मैटर होता है, एक पर्सन कभी हॉलीडे पे नहीं जाता, छुट्टी पे नहीं जाता, देर तक सबसे पहले आ जाता है, सबके बाहर जाता है, तो वहां पर फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हॉलीडे पे इसलिए नहीं जाता, उसे पता जिस दिन वो गया उसकी रिप्लेसमेंट पर पर्सन बैठेगा, जो उसने गड़बड़ की है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, इसलिए वो हॉलीडे पे जाता ही नहीं है, इसका भी मसला है। ऑटो क्रिएटिव मैनेजमेंट स्टाइल, जब सारे अथॉरिटीज रोल एक ही पर्सन के पास होते हैं, सारी अथॉरिटी एक ही पर्सन के पास होती है, ऑटो क्रिएटिव सब कुछ उसकी कमांड में होता है, उसके कहने पे होता है, तो फिर भी वहां पर फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं। लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जब एक काम एक ही पर्सन कर रहा है, उसके सारे स्टेप्स एक ही पर्सन कर रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दी थी कि अगर एक ही पर्सन कैश रिसीव कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, पे कर रहा है, सारी कैश हैंडलिंग उसके पास है, तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर ये विसल ब्लोइंग होती है कि कंपनी में किसी किस्म की भी, स्पेशली मैनेजमेंट की तरफ से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो, यानी कि फ्रॉड्स वगैरह जो है वो परफॉर्म हो रहे हो, या मैनेजमेंट जो है वो और कोई रेगुलेटरीज पे लॉ के अगेंस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो ऐसी सूरत में जो पर्सन इन्फॉर्म करता गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, रिस्पॉन्सिबल को, उसे विसल ब्लोअर कहते हैं। तो विसल ब्लोइंग, ब्लो करने वाले
पर्सन को लॉ में प्रोटेक्शन मिलती है, अगर ऐसे पर्सन को जॉब से फारक किया जाए तो अनफेयर डिसमिस केस वो कर सकता होता है। विसल ब्लोअर उसको भी कहते हैं, इवन के जो कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी की सिचुएशन जो है डेंजरस है और कंपनी उस पर एक्ट नहीं कर रही और वो उसकी कंप्लेंट कर देता तो उसे भी विसल ब्लोअर कहते हैं, यानी सीटी भी ज्यादा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड जो है ये मैनेजमेंट की होती है, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके लिए इंटरनल ऑडिटर हायर करते हैं, ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में देता है, ये डेलीगेशन है ना, अथॉरिटीज को वो फर्दर डेलीगेट कर देता है लोअर लेवल पे, ये उसका काम है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल वो ही है कि प्रॉपर वो इंटरनल पोटेंशियल ऑफ फ्रॉड एरियाज चेक करे, उस पर रिस्क असेस करे, उस पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करे, उन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए ताकि वो सारा फिर बस सिस्टम इंटरनल कंट्रोल के, ताकि किसी किस्म का फ्रॉड ना हो सके। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होती है, ऑडिटर की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती डिटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड की, उसने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रही है। फिर कैटेगरी है क्रिमिनल फ्रॉड ऑफेंस में, वैसे तो बहुत सारे कंपनीज में भी क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे से रिलेटेड है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग में तीन तरह का जुर्म होता है नॉर्मली, एक लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग क्या, पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग होती ही क्या, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है प्रेजेंट इलीगल सोर्स मनी एज अ रिस्पेक्टेड वन, कि पैसा इलीगल से कमाया है और उसे पेश ऐसे किया जाता है जैसे ये लीगल है, रिस्पेक्टेड, यानी ब्लैक को व्हाइट करना, ब्लैक या ब्राइबरी का पैसा है, ठीक, टेररिस्ट एक्टिविटी से पैसा है, ड्रग स्मगलिंग से पैसा है, किसी करप्शन से पैसा कमाया हुआ, तो वो पैसे को जो है उसमें जो है उसकी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट जो है, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है चाहे आपने पैसा कमाया एक्विजिशन है चाहे पोजेशन आपके पास पड़ा हुआ, या यूज ऑफ प्रोसीड के उस पैसे को आप यूज कर रहे हैं, या आप असिस्ट कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट किसी पर्सन को जिसके पास मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, उसको डिस्गाइज छुपा रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं कंट्री से दूसरे कंट्री में, ये सारी लॉन्ड्रिंग में आता है मनी लॉन्ड्रिंग। 10 ईयर इंप्रिजनमेंट है इसका लॉन्ड्रिंग पे। और लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ये भी जुर्म है फेलियर टू रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन आपको सस्पिशियस है, सस्पिशन है कि ये फ्लॉम पर्सन जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या आपकी मैनेजमेंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व, और आप उसकी रिपोर्ट अगर गवर्नमेंट को नहीं करते, गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी को नहीं करते, तो फेलियर टू रिपोर्ट, आप इसका मतलब फेलियर रिपोर्ट करने में, तो ये भी क्राइम होता है, जुर्म होता है, इस पर भी सजा होता है। टिपिंग ऑफ, आप किसी भी पर्सन को अलर्ट कर देते हो जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कोई भी FIA कह लो, NAB कह लो, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन्होंने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, आप उस पर्सन को अलर्ट कर देते हो वक्त से पहले, तो टिपिंग आप अलर्ट करना किसी पर्सन को, तो इसे टिपिंग आप कहते हैं, और ये भी जुर्म होता है। मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस के तीन स्टेप होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, प्लेसमेंट, लेनिंग, इंटीग्रिटी। प्लेसमेंट क्या होता है कि इलीगल सोर्स की मनी को इन्वेस्ट करते हैं ना, जब इलीगल सोर्स मनी कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं उसको, तो उसे प्लेसमेंट कहते हैं कि प्लेस कर दी पैसा। फॉर एग्जाम्पल आपने करप्शन से पैसा, आपने नहीं यार, आप छोटे हो क्या, किसी ने करप्शन से पैसा कमाया और उसने उसका प्लॉट खरीदी, ऐसे प्लेसमेंट कहते हैं।
और लेयरिंग का मतलब होता है उस पर तय बिछा देते हैं कि उस प्लाट को बाद में सेल करके और खरीद लिया, उसको सेल करके और खरीद लिया, उसको सेल करके और खरीद लिया, उसको सेल करके और लेयर तय बिछाते चले गए और इंटीग्रेटेड एंड पे लास्ट प्लाट सेल करके उसके पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए, तो इंटीग्रेट कर दिए। तो ज़ाहिर कोई इन्वेस्टिगेशन भी करे तो उसके ओरिजिनल सोर्स तक भी जा सकता है। आपसे पूछे कोई 10 नंबर प्लाट आपने बिजनेस में पैसा कहाँ से आया, जी मैंने ये 10 नंबर प्लाट सेल किया था। वो पैसा कहाँ से आया, जी वो मैंने 9 नंबर प्लाट सेल किया था उससे आया था। 9 नंबर वाला वो 8 नंबर वो ज़्यादा ओरिजिनल सोर्स तक जाते जाते आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये स्टेप होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। बाकी फिर बाकी चैप्टर बाद में बात करते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।